सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वेनम कुन के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में कुन की एक ओरिजिन बताऊंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वेनम के सिम्बियंट असल में आए कहां से है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सिम्बियन को लेकर जो भी बातें जानते हो, मेरे ख्याल से अब वो सभी बातें पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब मार्वल की तरफ से एक नई कॉमिक रिलीज की गई थी और उस कॉमिक का नाम था वेनम इशू 4। इसमें हमें कुन की ओरिजिन दिखाई गई। तो असल में कुन आया कहां से था? वेल, तो बात की जाए कुन की, तो कुन पहले स्पेस में रहता था और स्पेस ही उसका घर था। यानी कुन स्पेस में अकेला था और यहां तक कि स्पेस में कोई भी दूसरा यूनिवर्स नहीं था। यानी कुन इतना पुराना है कि जब स्पेस में पूरे यूनिवर्स भी नहीं थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेला कुन था। उसके बाद सिलिस्टर पैदा हुए जिन्होंने यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया, तो ये बात कुन को पसंद नहीं आई और फिर सिलिस्टर से ये कहने लगे कि तुम स्पेस में बिल्कुल अकेले हो, तो कोई अकेला रहकर राज कैसे कर सकता है। जिसके जवाब में कुन ये कहता है कि वो अकेला नहीं था स्पेस में, उसके साथ उसकी परछाई थी और जब भी लाइटनिंग उस पर पड़ती थी तो उसकी परछाई और बड़ी होती जाती थी। ये कहकर कुन अपनी परछाई से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसी स्वॉर्ड से वो एक सिलिस्टर की गर्दन काट देता है। ये देखकर सिलिस्टर उसे सजा देते हैं और उसे एक वॉइड नाम की प्रिजन में बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर कुन खुद को प्रिपेयर करता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि साउंड और फायर सिम्बियंट की वीकनेस है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में वेनम साउंड और फायर से इतना क्यों डरता है। और फिर कुन सेलेस्टर की कैद से आजाद हो जाता है। उसके बाद कुन हमें नजर आता है उसके पूरे सिम्बियंट सूट में, और अब कुन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सारे गॉड्स को मार देगा, क्योंकि उन लोगों ने उससे उसकी डार्कनेस छीनी थी। और अब यहाँ पर कुन और उसकी शॉट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और लोगों ने उसकी शॉट को नाम भी दिया है। कोई उसे ब्लैक कहता है, कोई नार्कोस, तो कोई गॉड सेलर्स। लेकिन इविल का राज ज्यादा दिन नहीं चलता है और ऐसा ही कुछ कुन के साथ भी होता है। उसे गॉड्स मिलकर हरा देते हैं और उसकी शॉट ले लेते हैं और उसे एक ऐसे प्लेनेट पर छोड़ देते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पर कुन एक नई डिस्कवरी करता है कि वो अपने सिम्बियंट से क्रिएचर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, और वही चीज वो करता है। जिसके बाद कुन की एक पूरी आर्मी तैयार हो जाती है और ये सब काफी सालों तक चलता रहता है। और फिर उनमें से एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला क्रिएचर अर्थ पर पहुंचता है जिसका नाम है नोएल, और उसे वहां पर थॉर हरा देता है। और जैसे ही वो क्रिएचर मर जाता है तो सिम्बियंट एक होस्ट ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले ही थॉर उस पर लाइटनिंग अटैक कर उसे डिफीट कर देता है और वो सिम्बियंट इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसका नाम कुन वेनम रखता है। यानी जितने भी सिम्बियंट कुन भेजता है उन सभी को वो कंट्रोल कर सकता है। यानी वो सिम्बियंट जो भी चीज देख रहे होते हैं वो सभी चीज खुद कुन भी देख सकता है। लेकिन जब थॉर के लाइटनिंग से एक वेनम सिम्बियंट क्रिएट होता है तो वेनम सिम्बियंट अपनी चलता है, और अब जो भी चीज वेनम सिम्बियंट करेगा वो चीज कुन को नजर नहीं आती है। इसलिए वेनम सिम्बियंट प्लेनेट पर वापस आकर बाकी सभी सिम्बियंट को कुन के अगेंस्ट कर देता है और वो सभी सिम्बियंट मिलकर कुन को सिम्बियंट के जाल में फंसा देते हैं। उसके बाद उस प्लेनेट का नाम पड़ता है प्लेनेट ऑफ सिम्बियंट, जहां से बाकी सिम्बियंट अर्थ पर आए थे। तो एक हिसाब से वो कुन का प्रिजन है, ना कि प्लेनेट ऑफ सिम्बियंट। लेकिन वहां से भी कुन बचकर बाहर निकल गया और अब वो सभी सिम्बियंट कुन की बात फिर से मानने लगे हैं। और उसके आगे की स्टोरी मैंने आपको वेनम के ट्रेलर ब्रेकडाउन में समझाई थी कि उसके बाद अर्थ पर कुन ने आकर क्या किया। तो बाकी की डिटेल के लिए आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वेल, तो ये थी ओरिजिन गॉड ऑफ सिम्बियंट कुन की। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।